कि मुझे कॉल आई कि रिपोर्ट कार्ड में आ, रिपोर्ट कार्ड का टाइम हो गया फिर मैं वापस से भागा को भी रिपोर्ट कार्ड में बैठा तो आज क्या इजलास था आज तो अपोजिशन ने तलब किया हुआ था इजलास बेसिकली आज के इजलास की रिक्वजिशन जो है ना वो पी टी आई ने दी थी और उन्होंने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं अदलिया की के उस खत के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह मोज़ जजेस ने लिखा है और उसके ऊपर बहस करने के लिए इजलास बुलाया था तो इजलास थे तो इजलास जो था वो जब बुलाया गया तो हमें लगा कि बड़ी इसके ऊपर बड़ी संजीदा डिबेट होगी लेकिन जब एजेंडा आया तो उसमें रिवायती जो डंडी मारी जाती है सरदार एयाज सादे का रिकॉर्ड इस हवाले से पहले भी अच्छा नहीं है उन्होंने रेकोजीशन के तहत कहा बुला रहा हूँ लेकिन एजेंडे में सारा एजेंडा पिछले इजलास का दे दिया और ये बात उसमें दर्ज भी नहीं थी कि वकला के मामले पर भी कोई बहस होनी बहरहाल वो तो अपोजीशन लीडर आपको पता है कि ले सकते हैं फ्लोर आ, स्पीकर से कि जी हमने इस अहम मामले पे बहस करनी है तो बहस करवाएं लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई लेकिन अहम बात यह भी हुई कि आसफा जो हैं वो एम एन ए बन बन चुकी थी तो उन्होंने आज ओथ लिया और आज पीपल्स पार्टी वाले लोग सारे आए थे और जरदारी साहब भी आए हुए थे कौमी इसम्बली कि उनकी बेटी आई है और बिलावल भी थे आज बिलावल भी थे और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जेले भी आए हुए थे जिन्होंने नारे भी लगाए उनके ओथ लेने पे क्योंकि पार्लिमानी सियासत का आज आजाकाज़ किया आसफा ने तो वह सब ने मुबारकबाद दी और बड़ा नेक तमन्नाओं का इजहार किया लेकिन इस मौके पे भी पीटीआई पी, का प्रोटेस्ट जारी था उसके बाद पीटीआई ने कहा कि हमें आप फ्लोर दें हमने बात करनी है तो एजाज़ नॉर्मली ये होता है कि कोरम पूरा करना जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, है क्योंकि हुकूमत ने बुलाया होता है इजलास और उसका बिजनेस जो है ना वो अंडर डिस्कशन होता है लेकिन आज क्योंकि अपोजीशन ने बुलाया था और जो बिज़नेस अगर वो चाह रहे थे अपनी मर्ज़ी का तो उन्हें यह चाहिए था कि सिक्सटी सिक्स बंदों की रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम सिक्सटी सिक्स बंदे ऐवान में होने चाहिए अदरवाइज़ अगर इससे कम और कोई पॉइंट आउट कर दे तो फिर इजलास मुलतवी करना पड़ता है तो वही हुआ जब आपस में ये नोंक झोंक चल रही थी ओथ के दौरान उसके बाद उन्होंने फ्लोर मांगा पीपल्स पार्टी पी टी आई के लोग एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो उस दौरान कोरम पॉइंट आउट कर दिया पीपल्स पार्टी ने और जब गिनती हुई तो सिक्सटी फोर बंदे निकले पी टी आई के सिक्सटी सिक्स नहीं थे तो उस पर इजलास जो है वो गैरमोना मदद के लिए मुल्त हो गया और एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज़ हुई कौमी ख़जाने से पैसे लगे पर मिनट पर घंटे का कोई दो करोड़ रुपए का खर्चा आता है कौमी असम्बली के इजलास का पहले तो इजलास ही दो घंटा लेट हुआ फिर उसके बाद आप देखें सारी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई लेकिन उसमें प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकी कि बंदे पूरे नहीं थे तो पी टी आई की संजीदगी भी नज़र नहीं आई अगर इस मामले पर वो बात करना चाह रहे थे तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि कोरम को पूरा रखते और उन्हें मालूम होना चाहिए था कि इस तरह पहले भी हुकूमत की साइड से भी कोरम पॉइंट आउट किया जाता है जब पोजीशन का बिज़नेस हो रहा होता है या प्राइवेट मेंबर डे होता है तो उस पर प्राइवेट मेंबर्स अपने बिल लाते हैं तो उनकी फिर वो मेक श्योर करते हैं कि हमारे हमारा कोरम पूरा हो लेकिन पी के पास मतलूबा तादाद है भी लेकिन अरकान की संजीदगी का ये आलम है कि सिक्सटी सिक्स बंदे उनके पूरे नहीं थे जब काउंटिंग हुई तो वो पूरा नहीं था कोरम और उसके बाद इजलास मुल्त ही हो गया यार एक तो पी भी संजीदा नहीं है और हुकूमत भी संजीदा नहीं है लेकिन आसाफ बशीर चौधरी साहब आप बहुत संजीदा है <laughs> मैं मतलब यार मैं तो मैंने अब... प्रोग्राम शुरू किया है और आप बिल्कुल नहीं यार मतलब ठीक है तो... के बाद कोई ये नहीं के, बात करें कोई आपने बिल्कुल ही शुरू कर दिया इजलास हुआ यार हुआ है भाई <laughs> कोई अपनी बात ईद पे देखें ईद पे दोस्त यार आते रहे घर में वो आपको पता है ना मेरा कजन वो मशेर उसके घर जाता होता हूँ इस दफा उधर भी नहीं जा सका क्योंकि दोस्तों ने डेज बताए हुए थे आने के तो वो आते रहे तो बस उसके अलावा ये है कि ईद अलहमदिल्ला अच्छी गुजर गई कोई बच्चों के और भी थे। है या? कोई आप। जी हँसी मजाक भी हुआ बिल्कुल। <laughs> आप नहीं आया आपकी गर हाजरी लग गई यार आपको पता है मैं कर रहा था मैं नहीं आ सका तो बस ऐसे ही तो है ईद गुजरी लेकिन चले हमारी बात हो गई